हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका छठा बाब 60-69 आयात तक। उस वक्त जब यीशु ने कफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं, तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बाइस है? अगर तुम अपने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है, मगर तुम में से बास ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसी तरह मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पत्रस ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदावन यीशु की बहुत सारी बातें उसके शागिर्दों में से बहुतों को ऐसी नागवार लगी कि अब उसका साथ छोड़ गए। वो उसके साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते थे। दरअसल ये शागिर्द कभी सच्चे ईमानदार है ही नहीं थे। वो कई मुख्तलिफ मकासद से यीशु के पीछे पीछे चलते थे, लेकिन असली और दिली मोहब्बत नहीं रखते थे और ना समझते थे कि वो कौन है। इस मौके पर यीशु ने अपने खास 12 शागिर्दों से मुखातिब होकर उनके सामने ये सवाल रखा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ये सवाल दरअसल उनके लिए चैलेंज था। पत्रस का जवाब बेहद गौर का मतकासी है। दरअसल उसने कहा कि ऐ खुदावन, हम तुझे किस तरह छोड़ सकते हैं? तू वो अकायद सिखाता है जो हमेशा की जिंदगी तक ले जाते हैं। अगर हम तुझे छोड़ दें तो और कोई नहीं जिसके पास हम जा सकें। तुझे छोड़ना तो अपनी मौत पर मोहर करना है। पत्रस उन 12 की तर्जुमानी कर रहा था। उसने ये भी कहा कि हम ईमान लाए और जान गए हैं कि तू ही मसीह मौत है, खुदा का कद्दूस है, जिंदा खुदा का बेटा है। ज़रा अल्फाज की तरतीब पर गौर करें, ईमान लाए और जान गए। पहले वो यीशु पर ईमान लाए थे और फिर जान गए थे कि वाकई वो सब कुछ है जो होने का वो दावा करता है। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरिटास एशिया।